हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल टोस्टी किचन। आज मैं जो रेसिपी आप लोगों के लिए लेके आई हूँ उसका नाम है पनीर लबाबदार। इस रेसिपी को खाने के बाद आपका जो खाने का टेस्ट है वो दुगना हो जाएगा, दैट इज फॉर श्योर। सो डू ट्राई दिस रेसिपी वंस एट होम। सो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। पनीर लबाबदार बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 250 ग्राम पनीर। अब चलिए जल्दी से इसे पीसेज में कट कर लेते हैं। चलिए अब हम जल्दी से इसे मसालों से मैरिनेट कर लेते हैं। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ इसके ऊपर 2 छोटा चम्मच कोरिएंडर पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1/4 टीस्पून नमक। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि सारा मसाला जो है वो पनीर में कोट हो जाए। तो ये देखिए, अब इसी तरह से 15 से 20 मिनट के लिए इस पनीर को ढक के रहने दीजिए। पनीर जो है वो बढ़िया से मैरिनेट हो गया है। अब हम इसमें तड़का लगा लेते हैं। सबसे पहले ले लीजिए एक कढ़ाई, इसमें डाल दीजिए 2 से 3 छोटे चम्मच ऑयल। तेल अच्छे से गरम हो चुका है। अब हम इसमें 2 प्याज डाल रहे हैं, इन्हें मैंने मिक्सी में हल्का सा चला लिया था। आपने मिक्सी में इन्हें बहुत ज्यादा बारीक नहीं पीसना है। दो तीन मिनट प्याज को हल्का भूनने के बाद अब इसमें आपने ऐड करना है 1 बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लीजिए और अब प्याज के साथ ही इसे भूनते रहिए मीडियम लो फ्लेम पर। प्याज और शिमला मिर्च अब हल्की सी भुन चुकी है, अब हम इसमें ऊपर से मसाला ऐड कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1/4 टीस्पून हल्दी, क्योंकि हल्दी मैंने ऑलरेडी मैरिनेट करते हुए डाल दिया था। इसी तरह से लाल मिर्ची पाउडर 1/4 टीस्पून, 1/4 टीस्पून इसमें डाल रही हूँ मैं नमक और 1 छोटा चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया पाउडर। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिए ताकि मसाला जो है वो अच्छे से भुन जाए। तो 2 से 3 मिनट तक इस मसाले को अच्छे से भुनने दीजिए, जब तक कि इसमें तेल ना छूट जाए। इसके साथ ही हम इसमें डाल देते हैं 1 टमाटर, इसको भी मैंने मिक्सी में चला लिया था। इन सबको बढ़िया से मिक्स कर लीजिए और अच्छे से पकने दीजिए ताकि इसका जो तेल है वो अलग हो जाए और मसाला बढ़िया से पक जाए। मसाला बढ़िया से भुन गया है, अब इसमें ऐड कर दीजिए मैरिनेट किया हुआ पनीर। और इसे अच्छे से कोट कर दीजिए मिक्सचर के साथ। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूं पानी। तो यहां मैंने इसमें 1.5 कप पानी ऐड कर दिया है। अब हम इसे अच्छे से पकाएंगे जब तक कि पनीर थोड़ा लिपटा लिपटा सा ना बन जाए। क्योंकि पनीर लबाबदार में टेस्ट ही तब आता है जब इसमें मसाला अच्छे से लबालब भरा हो। अब सब्जी में पहला बॉईल आ गया है, अब आप फ्लेम को लो पर कर दीजिए और इसी तरह से इसे 20 से 25 मिनट तक अच्छे से पकने दीजिएगा। 20 मिनट हो चुके हैं यहाँ पे सब्जी को पकते हुए। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 बड़े चम्मच दूध। दूध क्या है, एक बहुत अच्छा बाइंडिंग का काम करता है।
तो इससे क्या है, ये जो मसाला है इसका पनीर का, ये और अच्छा सा थिक हो जाएगा, तो इसकी जो ग्रेवी है वो थिक बनेगी और खाने में उतना ही टेस्टी लगेगा ये। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, 2 से 3 मिनट तक और इसे पकने दीजिए। सो पनीर लबाबदार की जो रेसिपी है वो रेडी हो चुकी है, चलिए अब इसे एक सर्विंग बोल में निकाल लेते हैं। सो व्यूअर्स, पनीर लबाबदार की लबाबदार रेसिपी बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल टोस्टी किचन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।